प्रिय बच्चों, कक्षा सात में हिंदी का पांचवा पाठ पर्यावरण और दूषण, ये पाठ है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। पर्यावरण दो भागों में बांट दिया गया है, परिधन आवरण। परि मतलब वायुमंडल, आवरण से का मतलब है कि ढका हुआ है, वायुमंडल से ढके हुए भाग को पर्यावरण कहते हैं। और प्रदूषण का मतलब होता है गंदगी, दूषित है, जो देश में या विश्व में प्रदूषण गंदगी फैल रही है वायुमंडल में, इसको हम प्रदूषण बोलते हैं। और प्रदूषण किन किन चीज़ों से फैलता है, ये इसकी जानकारी आप इस पाठ में प्राप्त करेंगे। हमारे चारों ओर का वातावरण पर्यावरण कहलाता है। हमारे चारों ओर जो वायुमंडल है, वातावरण है, इसको हम पर्यावरण कहते हैं। पर आज पर्यावरण का प्रदूषण जो है बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, और ये स्वस्थ रहने के लिए प्रदूषण जो है बहुत ही हानिकारक है, अन्यथा आने वाले समय में यदि पर्यावरण प्रदूषण को अंकुश न लगाया गया तो जीवन जो है बहुत ही खराब हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि धरती पर जीवन जो है प्रकृति संतुलन से संभव हो सका है। सभी लोग जानते हैं कि प्रकृति के संतुलन से ही जो है जीवधारियों का जीवन संभव हो गया है, हो सका है। धरती पर वनस्पतियां हैं, पूरी तरह ढक न जाए इसलिए घास खाने वाले जानवर भी हैं, पर्याप्त संख्या में हैं। इन जानवरों की संख्या अधिक न हो जाए इसलिए हिंसक जंतु भी हैं। इस प्रकार से प्रकृति में वनस्पति जीव जंतु आदि का अनुपात जो है संतुलित और नियंत्रित बना रहता है। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए जो है इनका अनुपात जो है ये हमेशा संतुलित रहना चाहिए, इससे पर्यावरण स्वच्छ और जीवन के अनुकूल बना रहता है। और इससे जो है पर्यावरण हमारा स्वच्छ रहता है और हमारे जीवन के अनुकूल ही पर्यावरण बना रहता है। आज मनुष्य के अवांछित कार्यों ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। आज जो है मनुष्य ने अवांछित जो नहीं चाहता है ऐसे कार्य करके और प्रकृति का जो संतुलन है उसको उसने बिगाड़ दिया है। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे, जो कारखाने चल रहे हैं, उद्योग धंधे चल रहे हैं, उनसे जो वर्ज्य पदार्थ, कूड़ा, कचरा, पॉलीथीन, जो कुछ भी निकलता है ये सब नालों में, गंदे नालों में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार से जनसंख्या का जो भयंकर विस्फोट भी हुआ है ये पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है। इस प्रकार से बढ़ती हुई आबादी को खिलाने के लिए उसी मात्रा में अन्न, सब्जी, फल आदि चाहिए। जिस प्रकार से हमारे देश की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसी प्रकार से उनके लिए भोजन चाहिए, सब्जी चाहिए, फल, अन्न, उनके रहने के लिए स्थान, सब कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को ये कार्य करने पड़ते हैं। खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए, कल कारखानों को लगाने के लिए, सड़कें और रेल पटरियां बिछाने के लिए धरती चाहिए, इसलिए बड़े पैमाने पर जंगल भी काटे जा रहे हैं। जब जंगल की कटाई होगी तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा, क्योंकि हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये ऑक्सीजन की पूर्ति जो है हमारे
देश की वनस्पतियाँ ही कर पाती हैं जो पर्यावरण को संतुलित बनाए रखती हैं। इसके अलावा हमारे कल कारखाने कच्चे माल के लिए जंगलों पर ही निर्भर हैं और जो कारखाने लगाए गए हैं ये कच्चे माल जंगलों पर ही निर्भर रहते हैं। इसलिए जिस गति से जंगलों का सफाया, जंगलों की कटाई हो रही है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा पिछले समय में कभी हुआ नहीं था। पेड़ काटने की गति तो खूब बढ़ी है, किंतु उतनी ही गति से कटे हुए पेड़ों की जगह नए पेड़ उगाने का प्रयत्न नहीं किया गया। पेड़ काटे गए लेकिन नए पेड़ बहुत ही कम मात्रा में लगाए गए। आबादी, बढ़ती हुई आबादी को खिलाने के लिए खेतों को रासायनिक उर्वरक चाहिए, खेतों के लिए रासायनिक खाद चाहिए और पौधों को कीटाणु हानि न पहुँचाएँ, इसलिए कीटनाशी दवाइयाँ चाहिए। इन उर्वरकों और कीटनाशी दवाइयों के कारण मिट्टी प्रदूषित होती जा रही है। इन दवाइयों के कारण जो है कीटनाशक डालने से हमारे देश की मिट्टी प्रदूषित होती जा रही है। बड़े बड़े उद्योग धंधे और बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण बड़े बड़े नगर बस गए हैं। इन नगरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा जो है ये कारखानों से अपशिष्ट पदार्थ अंत में नदियों तथा जलाशयों में गिरा दिया जाता है, जिससे नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। इन कचरों में कई तरह के जहरीले रसायन होते हैं। ये कचरे जो होते हैं इनमें कई प्रकार के जहरीले रसायन होते हैं जो वाहन, बिजली घर आदि बहुत अधिक धुआं उगलते हैं। धुएं में धूल के कण, कार्बन कण, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, इनके कारण वायु जो है दूषित होती जा रही है। इस प्रकार आज जो है भूमि, पानी और हवा तीनों ही प्रदूषित होते जा रहे हैं। बस इसके आगे जो है कल बनाएंगे।